आप अपना नाम बता दें। रोशनलाल शर्मा। आपका सागर से क्या रिश्ता था? बेटा है मेरा। बेटा है आपका जी। कल की घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं उस घटना को? हम ये सोचते हैं हुआ बहुत ज्यादा गलत, दोषी जिसने जिस जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, जांच बैठा ली जाए, जो जिसने करा है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो मेन है यही हम चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि सागर को कान भरा गया है? जी हाँ। किया गया है, और बिनवास के तो वो कुल लोग कौन है? बेंगलोर का उसका दोस्त है। क्या नाम है? नाम नहीं बता सकते आपको, नाम नहीं बता सकते उसका, मेन वही है। क्या करता था वो? वो इंजीनियर था। आपका बेटा फेसबुक पर तमाम भगत सिंह के पोस्ट डाला। हाँ, भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है वो। कौन सी किताबें पढ़ता था या फिर कैसी वीडियो? वही वो भगत सिंह की ज्यादातर पढ़ता था, ज्यादातर भगत सिंह की पढ़ता था कि ये करके गए हैं, ये वो यही सब बात करता रहता। हमने बेटा काम भगत सिंह खाने के नहीं देंगे, अपना काम करो, दो पैसा कमाओ, अपना सहारा बनो, माँ बाप का सहारा बनो, यही मेरी चाहत है। जब वो यहाँ से गया घर से तो क्या बोल कर गया? ये बोला कि हम जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हम 14-15 तारीख को आ जाएंगे। क्या बता कर गया था? क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कह रहा मैं घूम जा रहा हूँ काम से। क्या पहले भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं सागर से? ऐसा कुछ नहीं, बस फोन पे बातचीत होती रहती थी बस। तो आप मानते हैं कि इस पे कुछ स्तरीय जांच होनी, जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जो दोषी नहीं उनको छोड़ा जाए। आप पेशे से क्या करते हैं? मेरा कारपेंटर काम है, कारपेंटर काम करते हैं। क्या आपको पुलिस से स्टेशन में रात भर बैठे थे, कैसे पहुंचे, क्या क्या बातें हुई? मैं खुद पहुंचा, किसी ने हमको बुलाया नहीं, किसी ने फोन नहीं किया, हम खुद गए उनसे मिलने के लिए। दरोगा जी से गए, स्थिति थाने गए, बस कहा जो था वो हमने बताया उनको, कैसे क्या हुआ, कब गया, क्यों गया, हमने को बताया बस। तो बात करें तो सागर अगर देखें तो क्या पहले भी कभी बाहर ऐसे गया हो, दोस्तों से मिला हो, जिस बेंगलोर के साथी की बात कर रहा हूं? नहीं, बेंगलोर गया है, करीब एक साल रहा है वहां पे, काम करता था। लेकिन हम यही चाहते थे कि अब जो आदमी अपने देश में ना कर पाया वो बाहर देश में क्या करेगा, हम भी तो लखनऊ में पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारा उन्नाव है, वहीं जन्मभूमि हमारी, वहीं पैदा हुए हैं, हम भी तो यहीं हैं। दिल्ली भी रह के आए, राजस्थान गए काम करने के लिए, चंडीगढ़ काम करके आए, लौट फिर के फिर आ गए बस। बेंगलोर जब आखिरी बार एक साल पहले गया था, तो उसके वापस आने के बाद से क्या उस दोस्त से घर में बात करता था, वीडियो कॉल करता था, क्या बर्ताव में बदलाव आया था? बदलाव फोन आता था, फोन में बात करता था, लेकिन वो घर में बात नहीं करता, बाहर निकल के बात करता था। बेंगलोर से आने के बाद क्या उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव आया जो आपको तो सही नहीं लगा? सही सही क्या आता था, अपना खाना पीना खाता था, खाना खाना खा पी के अपना घूमने चला गया, गाड़ी चलाता था, यही था बस। हम तो यही चाहते हैं बस ठीक ठाक हो सब। पुलिस ने आपको हिरासत में लिया था? हिरासत में खुद गया था, हिरासत में नहीं, मैं खुद गया था। हम तो गाड़ी में लगे पार्किंग। बाकी पुलिस ने मेरे से कोई ऐसी मेरी बदतमीजी नहीं, मेरी इज्जत से बात करी, बेटे ने जो करा तो करा ही है, मेरे से कोई ऐसी इस तरह कोई बात नहीं करी। बेटे के कृत्य को लेकर क्या आप शर्मिंदा है? शर्मिंदा तो बहुत ज़्यादा है कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन दो दो कराया, उन्हीं के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिसने करा है सजा उनको मिलनी चाहिए बिल्कुल, जो दोषी है उनको बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल बचाना नहीं चाहिए बस। क्योंकि देश चलती है, संसद भवन, बस सबसे बड़ी चीज़ है। सांसद रहते हैं जी हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं गलत किया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये कहें गलत हुआ है, जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए।